क्या इस सब्जेक्ट का जो उनके पास सपोर्ट के लिए खड़े 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 कर उनको हमने उनमें से 3-10 सेंटर करवाया है। इन 4 में से 3 एनएफटी गेम ग्रुप के थे, 1 केवाईटी है क्योंकि मैत्री संगठन है और मणिपुर बेस्ड संगठन है उसका सदस्य था। तो इन 4 का आज ये वीडियो बेस रिपोर्ट किया। तो इन 4 में से हमने ये पाया कि जो एक सुकुट चंद्र देव वर्मा जो सेंस ट्रायल सिपाही सिपाही है इसका एनएलटी डीएम का, यह जो 3 अगस्त को बेसिस के ऊपर जो आक्रमण हुआ था, जो अटैक हुआ था, उसमें यह शामिल था जिसने फायरिंग की थी, जिसमें हमने बेसिस ने अपने दो बहादुर साथियों को खोया और ये उनके हथियार भी ले जाने में कामयाब हो गए। इसके साथ एक सरुण देव वर्मा उर्फ कुशल रंजन उर्फ बराई, यह भी इसके साथ लिप्त था। तो ये बीएसएफ के ऊपर फायरिंग करने में शामिल थे। तो हमने ये जो 3 एनएलएफटी और 1 केवाईके जो 4 इंसिडेंट्स हैं, इनमें से हमने 3 को सरेंडर करने का मौका दिया है ताकि वो देश की मुख्य धारा में फिर से शामिल हो सके और एक सामान्य जीवन का निर्वाह कर सके। 4 इंसिडेंट्स का जो उनके पास सपोर्ट के लिए खड़े 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 कर उनको हमने उनमें से 3-10 सेंटर करवाया है। इन 4 में से 3 एनएलटी गेम ग्रुप के थे, 1 केवाईटी है क्योंकि मैत्री संगठन है और मणिपुर बेस संगठन है उसका सदस्य था। तो इन 4 का आज ये वीडियो बेस रिपोर्ट किया। तो इन 4 में से हमने ये पाया कि जो एक सुकुट चंद्र देव वर्मा जो सेंस ट्रायल सिपाही सिपाही है इसका एनएलटी डीएम का, यह जो 3 अगस्त को बेसिस के ऊपर जो आक्रमण हुआ था, जो अटैक हुआ था, उसमें यह शामिल था जिसने फायरिंग की थी, जिसमें हमने बेसिस ने अपने दो बहादुर साथियों को खोया और ये उनके हथियार भी ले जाने में कामयाब हो गए। इसके साथ एक सरुण देव वर्मा उर्फ कुशल रंजन उर्फ बराई, यह भी इसके साथ लिप्त था। तो ये बीएसएफ के ऊपर फायरिंग करने में शामिल थे। तो हमने ये 3 एनएलटी और 1 केवाईके जो 4 इंसिडेंट्स हैं, इनमें से हमने 3 को सरेंडर करने का मौका दिया है ताकि वो देश की मुख्य धारा में फिर से शामिल हो सके और एक सामान्य जीवन का निर्वाह कर सके। सुखु चंद देव वर्मा है जो कि वह हमारे जो साथियों के खिलाफ आक्रमण में लिप्त था, तो हमने उसको ये पुलिस के हवाले किया है ताकि उसके ऊपर ऑलरेडी एफ आई आर दायर हो चुकी है, उस पर लीगल प्रोसेस एक्शन लिया जाए। हम सुनिश्चित करेंगे कि जो हमारे जो साथियों के जो नुकसान में जो शामिल हैं उनके ऊपर भली भांति जो लीगल कार्रवाई हो। उसके साथ अपना ये एक सरुण देव वर्मा एलियास कुशल एलियास पराई, वह भी उसमें शामिल था। तो हमारी पूरी चेष्टा रहेगी कि इन दोनों के ऊपर समुचित लीगल कार्रवाई हो सके। आर्म्स कितना बरामद थे सर? आर्म्स नहीं, इन्होंने हथियार के साथ बरामद नहीं किया है।